हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यू रेसिपी जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको मैंने चावल और आलू से ही बनाया है, जो घर पर रखे सामानों से ये इजीली बन जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसका डो बना के रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा यूज़ किया है। चावल का आटा मैंने 2 से 2.5 कटोरी यूज़ किया है और इसमें हमें कोई भी आटा ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक को हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम स्टफिंग में भी यूज़ करेंगे। मैंने इसमें अजवाइन डाला है, आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को, और हम इसमें गरम पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। गरम पानी डाल के इसको हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं स्पून का यूज़ कर रही थी। हम इसको अच्छे से हाथों से मिलाएंगे और इसका डो बना लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला के इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और जब हमारा 10 से 15 मिनट हो जाए तो हम इसको अच्छे से हाथों से गूंथ के रख देंगे। तब तक हम इसका स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो और कम तेल का भी यूज़ कर सकती हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच सरसों डालेंगे। हम दोनों को अच्छे से पकने देंगे। और जब हमारा जीरा और सरसों अच्छे से पक जाए तो हम इसमें एक हरी मिर्च काट के डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें अदरक डाला है, अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और लहसुन डाला है, लहसुन को मैंने छोटे कद्दूकस से घिस लिया था। और अब हम तेल में अदरक और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें अब प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने 1 मीडियम साइज़ की लिया था। हरी मटर डाल देंगे 1/2 पोल, 1/2 पोल शिमला मिर्च। और अब हम सारी सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। आप इसमें अपनी मनपसंद की भी सब्जियां ऐड कर सकती हैं। हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो रही हैं, हम इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे हमारी सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी और साथ ही में हमारी हल्दी भी पक जाएगी। स्टफिंग बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के उबले आलू का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकती हैं। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रहे नमक मैंने आटे में भी डाला था। कटी हरी धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और आलू को फ्राई करेंगे। आलू को मैंने काट के डाला है, आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी डाल सकती हैं। मैं इसमें 1/2 चम्मच भुना जीरा डाल रही हूँ। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस नाश्ते को मैंने राइस से बनाया है इसलिए मैंने इसका नाम राइस बॉल रख दिया है। और आपने इस राइस बॉल का क्या नाम सोचा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आलू को मैंने काट कर डाला है इसलिए हम पोटैटो मैशर से इसको मैश करके इसका डो बना लेंगे। अब हमारा आलू मैश हो चुका है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस नाश्ता को बनाने के लिए मुझे 20 से 25 मिनट लगा है। बस हमारा आलू ठंडा हो जाए, फटाफट हम इसे बना लेंगे। आलू हमारा ठंडा हो चुका है और यहाँ मैंने बॉल्स की कोटिंग के लिए बासमती राइस लिया है। इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। मैंने इसमें फूड कलर डाला है, ग्रीन फूड कलर, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। और अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो प्लेन राइस का भी बना सकते हैं, इससे भी ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने चावल का आटा ले लिया है, इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। अब हम इसको राउंड राउंड करके एक बॉल बना लेंगे। हमारा बॉल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा बॉल बना लेते हैं। अब हम इसमें चावल लगा देंगे। चावल को हम ऊपर से डालने के बाद इसको ऐसे से प्रेस कर देंगे, तब ये हमारा चावल चिपक जाएगा। हमारा चावल भी थोड़ा सा गीला है और आटा भी थोड़ा सा गीला है, इसलिए हमारा चावल चिपक जा रहा है।
हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे प्लेट में, फिर सारे बॉल्स को बना के ऐसे रख लेंगे। मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं, सारे प्लेट में लगा दिए हैं। मैंने पानी पहले ही बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, पानी उबलने लगा है। हम ट्रे को ऐसे ऊपर रख देंगे, ऊपर से कवर करके। अब हम ढक के इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे भाप से। चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं ओपन करके। हमारा बासमती राइस पहले से साइज़ में ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसका मतलब हमारा बॉल्स रेडी हो गया है। हम इसे टूथपिक से चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब हमारा बॉल रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। राइस बॉल आप टमाटर की चटनी या नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर और धनिया की चटनी बनाया है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था साथ में। कैसी लगी आपको हमारी ये न्यू रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।